आर्किटेक्चर का नमूना, तकनीक का इस्तेमाल और स्पष्ट तौर पर एक झलक आपको अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरते ही जितने भी यात्री हैं, तीर्थयात्री हैं, उनको भगवान राम की इस नगरी की अद्भुत झलक दिखाई देगी। समर्पित हो चुका है ये पहला फेज, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या से सीधे तौर पर पूरी दुनिया को जोड़ता हुआ। आज से यह शुरुआत, अयोध्या के इतिहास में आज का दिन एक बड़ा मील का पत्थर, जब अयोध्या जुड़ चुकी है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए समूची दुनिया से। आज तो केवल शुरुआत है, पहले फेज की शुरुआत है। अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, अब ये जो नई शुरुआत है विकास यात्रा की, जिसका पहला फेज, पहला चरण आज राष्ट्र को समर्पित किया गया, ये सिर्फ शुरुआत है, इसका विस्तार अनंत है और शायद एक नई विकास यात्रा पर भारत को, भारत की आध्यात्मिक चेतना को ये पूरी दुनिया तक लेकर के जाएगा। निश्चित तौर से अजय, हम यहाँ जरूर कहेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि चलत विमान कोलाहल होए, ये केवल लोगों की संकल्पना में, लोगों की कल्पना में था, वो कल्पना साकार होने की स्थिति है। अब श्री अस्सी हवाई अड्डे के द्वारा हम जोड़ है यहाँ विमान, यहाँ जे विमान यहाँ से आवागमन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। अश्विनी, आपकी आवाज मिलने में हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, हम आपसे संपर्क फिर से करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपको बताएं कि ये जो नया एयरपोर्ट है, उत्तर भारत की नागर शैली में बनाया गया है, गुजरात के स्पेशल आर्किटेक्ट टीम के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अद्भुत संरचना इसकी, 7 शिखरों वाला ये एयरपोर्ट इस वक्त आप देख रहे हैं, नई तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, किस तरह से इसके विस्तार की योजना को अंजाम दिया गया, पहला फेज, दूसरा फेज कैसे 10 गुना बड़ा होगा, इसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री इस वक्त प्रधानमंत्री को अवलोकन कराते हुए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का, एक नई शुरुआत अयोध्या के विकास यात्रा की, आज दुनिया से जुड़ चुका है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना इतने कम समय में, केवल 20 महीने में, अभी तक का एक रिकॉर्ड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। लेकिन ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, भारत की सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बिंदु भी है, अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पंचतत्व की पूरी अवधारणा इस पूरे टर्मिनल पर आपको दिखाई देती है। अगर शैली की बात करें तो उत्तर भारत की अद्भुत नागर शैली में, मंदिर की संरचना में इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। एयरपोर्ट के सामने ही पहुंचते ही आपको विशाल तीर धनुष का एक म्यूरल दिखाई देगा, जो पराक्रम का प्रतीक, कर्म का प्रतीक। रघुवंश की परंपरा में, सूर्यवंश की परंपरा में सभी लोग पराक्रमी रहे, सभी लोग कर्म पर विश्वास करते रहे, त्याग और तपस्या जिनके जीवन का हिस्सा था, धनुष बाण उसी पराक्रम का प्रतीक। और उसको एक म्यूरल के रूप में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल हवाई अड्डे के ठीक सामने आप सभी के स्वागत के लिए ये म्यूरल, और नागर शैली में जो पंचतत्व की दैविक पट्टिका है, खंडिका पट्टिका है, द्वारपाल पट्टिका है, कमल दल पट्टिका है, ये पट्टिकाएं आपको भारत के अतीत में ले जाती हुई दिखाई देंगी। अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, हम बात कर रहे थे कि ये सिर्फ अवसंरचना नहीं है, बुनियादी ढांचा नहीं है, ये विकास और विरासत को एक साथ साधने की नई कोशिश है। तौर से अजय, अगर देखें तो मैं कह रहा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा था कि जब पुष्पक विमान से भगवान श्री राम अयोध्या की तरफ प्रस्थान किए और कहा गया कि चलत विमान कोलाहल होई, वो कल्पना आज फलीभूत हुई है, साकार हुई है। विमानतल का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से। अयोध्या धाम आज अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर, विमानन के मानचित्र पर अंकित हो चुका है, जो कि अयोध्या की गरिमा में एक कहीं ना कहीं अयोध्या के किरीट में एक मणिक समान है, एक मुकुट में कहीं ना कहीं एक रत्न के समान है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटकों को, देश भर के श्रद्धालुओं को, सनातन धर्मावलंबियों को एक सुगम आवागमन का साधन तो होगा ही। लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे, कहीं ना कहीं अंग्रेजों के जमाने में छोटी सी हवाई पट्टी बनाई गई थी जो कि निष्प्रयोज हो गई थी, और जहां पर गाय भैंस चरने के अलावा केवल बच्चे खेला कूदा करते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, या फिर कुछ सिरफिरे लोग मोटरसाइकिल से रेस किया करते थे। वो दौर गया, और यहीं जहां पर ये हवाई अड्डा है, यहीं से बगल बीकापुर में एक गांव में एक स्थान माना जाता है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कि पुष्पक विमान वहीं पर उतरा था। यानी कि जो हमारे त्रेता युग के बाद आज कलयुग में वह दिन आया है जब यहाँ पर विमान के आवागमन की सुविधा
सभी लोगों को नागरिक उड्डयन के लिहाज से अगर देखें तो यहाँ पर लोगों को हासिल हो रही है, आमजन सुलभ तरीके से यहाँ से जुड़ सकेंगे। और ये केवल एक हवाई अड्डा ही नहीं है, अगर देखें अजय तो पूरे पूर्वांचल के लिए, और साथ ही साथ गोरखपुर में हवाई अड्डा है लेकिन समूचे पूर्वांचल से अगर देखें तो बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां से विदेश जाते हैं और खासकर खाड़ी देशों में जाते हैं। एक बार कभी लखनऊ से जब शारजाह की फ्लाइट शुरू हुई थी, इस क्षेत्र के लोगों में ऐसा उत्साह मचा था कि बहुत बड़ा काम हुआ। लेकिन अब जब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में ही होगा, 100-150 किलोमीटर की परिधि में होगा, तो कितनी बड़ी संख्या में लोग देश विदेश जाकर अपने जीविकोपार्जन के लिए और साथ ही साथ अन्य चीजों से जुड़ने के लिए आ सकेंगे। अयोध्या धाम के गौरव की पुनर्स्थापना में ये मददगार तो है ही, ये कहीं ना कहीं एक किरीट में कहीं ना कहीं शोभायमान तो है ही, लेकिन ये रोजगार के लिहाज से, स्वरोजगार के लिहाज से, आवागमन के लिहाज से, पूर्वांचल के क्षेत्र के विकास के लिहाज से ये बेहद मील का पत्थर साबित होगा तब जबकि लोग यहाँ पर जा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि इसका नागर शैली में किया गया जो अद्भुत वास्तु विन्यास है वो ये बताता है कि किस तरीके से भगवान श्रीराम से जुड़े प्रतीकों को लोग यहाँ पर पहुंचकर हृदयंगम कर सकेंगे, आत्मसात कर सकेंगे, देख सकेंगे, परिचित हो सकेंगे। बहुत सारे लोग जो कि कहानियों में, कथाओं में भगवान श्रीराम के अलग अलग रूपों को देखते थे, दरो दीवार यहाँ की, अगर अयोध्या का कणकण भगवान श्रीराम को अभिव्यंजित करेगा तो इस नए विमानतल, श्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विमानतल भगवान श्रीराम से जुड़े हुए कथानकों के एक एक प्रसंगों को कहीं ना कहीं चित्रित करेगा। तो निश्चित तौर से भगवान श्रीराम के चाहे वो प्रसंग, चाहे वो शबरी से जुड़े प्रसंग हो, चाहे भगवान वाल्मीकि महान संत शिरोमणि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना की हो, और सबसे बड़ी बात तो ये कि कार्यांजलि है ऐसे महापुरुषों को जो कहीं ना कहीं नेपथ्य में डाल दिए गए थे। आज अयोध्या का वैराग्य और वैधव्य दोनों कहीं ना कहीं समाप्त हुआ और नई विकसित सुसज्जित श्रृंगारित अयोध्या दुनिया के सामने आ रही है, जो स्पष्ट करती है कि किस तरीके से हमारे सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना के साथ साथ अयोध्या की आध्यात्मिकता को सजो कर अयोध्या को नया आधुनिक कलेवर दिया जा रहा है। और उसी का प्रमाण है ये श्री वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय विमानतल, जो इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से किया गया है, जो की आवागमन के लिहाज से और सांस्कृतिक वैभव के लिहाज से दुनिया को चकित कर देने के लिए पर्याप्त है। अजय, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसकी कुछ खासियतें मैं दर्शकों तक पहुंचा दूं। आर्किटेक्ट डिजाइन की बात करें तो इसको 4-स्टार रेटिंग दी गई है, वन ऑफ द टॉप रेटिंग्स कही जा सकती है आर्किटेक्ट डिजाइन के लिए। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग कार्बन न्यूट्रल है, यानी यहां पर जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, प्रदूषण बिल्कुल जीरो के बराबर, जो लगातार जीरो वेस्ट की बात करते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस पूरी डिजाइन में, इस पूरे निर्माण में कार्बन न्यूट्रल रहने की कोशिश की गई, यानी प्रदूषण इससे पूरे निर्माण कार्य से बिल्कुल नहीं हुआ। पूरे 20 महीनों में इस बात का ख्याल रखा गया। जीआरसी जो कि ग्लास फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट होता है, जो पत्थरों को रिप्लेस करता है, अगर आप पत्थरों को काट करके निर्माण करते हैं तो उसमें प्रदूषण की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और आप जानते हैं दिल्ली जैसे महानगरों में निर्माण कार्य पर रोक इसलिए लगी क्योंकि जो इंडेक्स है PMI को बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है निर्माण कार्यों से। लेकिन ये जो नई तकनीक है जिसको आप कहते हैं GRC ग्लास फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट, इसका इस्तेमाल करके आपको लुक तो पत्थरों का दिया गया लेकिन इसको बिल्कुल प्रदूषण मुक्त रखा गया। इसको साथ ही साथ पूरी बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग के तौर पर विकसित किया गया है। और फर्स्ट फेज जिस तरह से हम कह रहे हैं कि सेकेंड फेज में इसको 10 गुना बढ़ाया जाएगा। कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसका जिक्र अश्विनी जी ने भी किया कि संपूर्ण रामायण को यहाँ पर म्यूरल्स के जरिए दिखाने की जो कोशिश है, इसके साथ साथ मधुबनी पेंटिंग के जरिए ये जो सारी की सारी सांस्कृतिक विरासत है हमारी, पूरी दुनिया तक लोगों को पहुँचाने की, और एक नए कलेवर में जो ये बन करके तैयार हुआ है जिसमें राम दरबार 3 फ्लोर पर बनाया गया है, मधुबनी पेंटिंग्स के जरिए राम विवाह की तस्वीरें पूरी दुनिया तक पहुँचाई जाएंगी। अश्विनी, 7 शिखरों पर ये पूरा का पूरा, 7 स्तंभों पर ये पूरा जो विमान पत्तन बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो रामचरितमानस के 7 कांडों की ओर इशारा करते हैं जिसका जिक्र आपने किया था। निश्चित तौर से, और अगर देखें तो एक धनुष के आकार की प्रतिकृति जो कि हमारे पुरुषार्थ का प्रतीक है, जो कि बताती है परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, या फिर जिसी को कहा जाता है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, जो कि हमारे समत्व का, हमारे ममत्व का, हमारे संस्कृति का पूरे दुनिया को बोध कराती है। भारत भारतीयता के सनातन धर्म के अनेक प्रसंगों को, अनेक प्रतीकों को, रामायण से जुड़े अनेक ऐसे प्रसंगों को यहाँ पर चित्रित किया गया है जो कि हमारी राष्ट्रीय वैभव के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक वैभव को भी दुनिया के सामने पहुंचेंगे। चाहे वो धनुष यज्ञ में भगवान श्री राम के पहुंचकर धनुष को तोड़ने की बात हो,
चाहे वो स्वयं पुष्पक विमान से समूचे रामादल को लेकर अयोध्या आगमन की बात हो, चाहे वो शबरी के जूठे बेर खाकर उनके आश्रम में पहुंचने की बात हो, चाहे वो भगवान विश्वेश्वर का रामेश्वर में जाकर पूजन करने की बात हो, ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो कि भारत भारतीयता के प्रतीकों के साथ साथ हमारी संस्कृति के वैभव को स्थापित करते हैं, हमारे मनीषियों की सोच को स्थापित करते हैं और साथ ही साथ हमारे मनीषियों के साथ साथ एक सामाजिक समरसता का बोध कराते हैं। अगर शबरी के प्रसंग को देखें, केवट के प्रसंग को देखें, जहां पर केवट जो है भगवान को नाव की उतराई के लिए तैयार नहीं होते और वो कहते हैं कि हम आपको नाव में नहीं बैठाएंगे, चाहे वो अहिल्या उद्धार की बात करें, चाहे वो शबरी के जूठे बेर खाने की बात करें, तो भगवान श्री राम का व्यक्तित्व तो कहीं ना कहीं समत्व ममत्व और विश्व बंधुत्व के लिए ऐसा समर्पित व्यक्तित्व था जो कि पुरुषोत्तम के रूप में पूरी दुनिया में जाना गया। और निश्चित तौर से मैं बार बार ये कहूंगा कि त्रेता युग के बाद आज वो क्षण आया है जब यहाँ पर विमान के कोलाहल सुनाई पड़ेंगे। चकित नजरों से हम लोग हवाई जहाज आते जाते अजय देखा करते थे, मैं उसी क्षेत्र से हूँ, अगर हवाई जहाज ऊपर से चला जाता था तो पूर्वांचल के बच्चे खड़े होकर कोई काम न करके नजदीक से जब जगुआर की शॉर्टिंग कहीं ना कहीं गोरखपुर से होती थी, गोरखपुर वायुसेना अड्डे से जगुआर की शॉर्टेज होती थी, तो लोग चकित होकर देखते थे कि अरे जहाज आ गया, जहाज आता है। गुम्मी जहाज जिसको कहते हैं, जो एक सफेद रेखा छोड़ती हुई चली जाती थी, उसको हम लोग बचपन में निहारा करते थे तब तक जब तक वो ओझल नहीं हो सकती थी। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम अपनी आंखों से विमान को वहां पर उतरते हुए आते जाते हुए देखेंगे तो उस समूचे क्षेत्र के लिए कितना ज्यादा ये गौरव का बात होगा, गौरव के साथ साथ आर्थिक उन्नयन की बात होगा, नए अवसर खुलेंगे, नए संभावनाएं खुलेंगी, अश्विनी जी में नया उत्साह भी आएगा। अश्विनी जी, अब तो ऐसा लग रहा है कि जब नया घाट के साथ में जो हवाई पट्टी, जो हेलीपैड बनाया गया है, वहां से तो आप आराम से हेलीकॉप्टर पे बैठ करके 3,000 रुपए में संपूर्ण अयोध्या की परिक्रमा भी कर सकते हैं। मतलब अब वहां तक हम पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट तो बना ही है, लेकिन एयरपोर्ट के साथ साथ जो हेली टूरिज्म है और लगातार वहाँ पे बुकिंग आपको मिलेगी नहीं, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त उत्साह है लोगों में, जो आप जिक्र कर रहे थे कि बचपन में उड़ते हुए जहाज़ों को देख करके जो कौतूहल हुआ करता था, आज आम जनता की पहुँच में ये सारी सुविधाएँ आ रही हैं, ये विकसित होते भारत की एक नई पहचान है, नए भारत की नई पहचान है। लेकिन फिर से मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अयोध्या में बनाया गया है, और अब तो 6 और या फिर ज़्यादा हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। गोरखपुर का जिक्र अश्विनी जी ने किया, साथ ही काशी में नया हवाई अड्डा, साथ में आप प्रयागराज पहुंचिए, वहां से 80 किलोमीटर दूर एक और हवाई अड्डा, वहां से 200 किलोमीटर दूर करीब अयोध्या में फिर से एक नया हवाई अड्डा, लखनऊ वहां से 150-200 किलोमीटर पाँचवा, और अब तो एशिया के सबसे बड़े